हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन 2023 ऑफ उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स 2023 की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 अगस्त 2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 10वीं और 12वीं पास के लिए ये मौका दिया गया है और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। UPSC स्टाफ नर्स मेल फीमेल एग्जाम 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए ही हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश UPSC स्टाफ नर्स एग्जाम रिक्रूटमेंट 2023 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 21 अगस्त 2023 देख सकते हैं आप, 21 अगस्त 2023 से 21 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर 2023 ही फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, कितने पदों पर वैकेंसी आई है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके अलावा आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही मिलेगा कि 72 घंटों में ही आपका जो है OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दैट्स वाई OTR शुड बी डन फर्स्ट एंड ओनली देन द एप्लीकेशन विल बी मेड। जब आप OTR क्लियर कर लेंगे तभी आप एप्लीकेशन आगे का भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप फुल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर से इसको क्लियर करवा देते हैं। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद 72 रिसीव होने के 72 घंटों में आपको OTR मिल जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद ही आप आगे के प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबिलिटी का आप क्लियर कर लें देख करके। एलिजिबिलिटी जितनी है आपकी, जितना क्वालिफिकेशन है उतने का मार्कशीट लगेगा आपका, उसका झरक्स चाहिए, आप झरक्स नहीं चाहिए माफ़ करेंगे, उसका संपूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए, वो आपको फिल करना होगा। ID प्रूफ लगेगा, एड्रेस डिटेल्स लगेगा और थोड़ी बहुत अन्य जानकारियाँ भी लगेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैन डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ स्कैन होना है। इसके अलावा आप सारे कॉलम्स को केयरफुली भरें। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे। जब आप फॉर्म को टोटली फिलअप करवा लेते हैं, साइबर कैफे से कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार की गलती न होने पाए। यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसको तुरंत सुधार कर लें। लास्ट में जब आप फॉर्म फिलअप कर लें तो एक बार प्रीव्यू करके पूरे फॉर्म को, सारे कॉलम्स को केयरफुली ज़रूर पढ़ें। जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं तो ही आप अपने फॉर्म्स को सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद यह भी ध्यान रखें, जब आपका फाइनल सबमिट हो जाता है, लेकिन फाइनल सबमिट होने से पहले आपका फीस पेमेंट होगा। फीस पेमेंट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप सारे कॉलम्स पूरे करने के बाद फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद एक बार आप फिर से अपने काइंडली आप पूरी तरीके से चेक कर लें, ध्यान से बैठ करके केयरफुली चेक कर लें, फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि वह भविष्य में भी काम आता रहे। फाइनल प्रिंट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी प्रकार की समस्या आने पर, कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बता दें कि OTR पर ध्यान रखेंगे। OTR इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 72 घंटे का टाइम लगेगा लगभग, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2 से 3 दिनों का यूजुअल टाइम ले रहा है, तो आप फॉर्म फिलअप करें, किसी प्रकार की समस्या आने पर बताएं। अगर आपने क्वालिफिकेशन या अन्य वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है स्टाफ नर्स के लिए। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो न्यू वैकेंसी डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों को भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके इसका फॉर्म फिलअप करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं। जो लोग भी क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हें शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी डिटेल्स के साथ। अभी लेते हैं आपसे विदा, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर एक नई वीडियो के साथ। लेते हैं विदा, गुड बाय, थैंक यू।